किसानों की बैंक के रूप में पहचानी जाती थी अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के आज हुए चुनाव में परिवर्तन पैनल के बच्चू कड़ू अध्यक्ष तथा अभिजीत ढेपे उपाध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए। इन दोनों उम्मीदवारों ने सहकार पैनल के विरेन जगताप व हरिभाव मोहोड़ को पराजित किया। इसके साथ ही 17 वर्ष बाद कांग्रेस का किसानों की इस बैंक से एकतरफा राज समाप्त हो गया, जिससे कांग्रेस में अच्छी खासी खलबली मची हुई है। आज हुए चुनाव में सहकार पैनल के 3 सदस्य मतदान के दौरान फूट कर बच्चू कड़ू के पैनल की ओर चले गए। सहकार क्षेत्र की राजनीति जानने वाले लोगों का कहना रहा कि अध्यक्ष पद के लिए 13 सदस्य वाले परिवर्तन पैनल ने जैसे ही वीरेन जगताप का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे किया, तभी से उनके नाम का विरोध शुरू हो गया था। आज उपाध्यक्ष बने अभिजीत ढेपे ने यह स्पष्ट कहा, यदि जगताप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहते हैं तो वे सहकार पैनल की ओर से उपाध्यक्ष पद हेतु नहीं खड़े रहेंगे। 21 सदस्यीय जिला बैंक में सहकार पैनल के 13 और परिवर्तन पैनल के 7 सदस्य हैं, वहीं 1 सदस्य निर्दलीय है। लेकिन अल्पमत में रहने के बावजूद सहकार पैनल ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के राजापेट विभाग में सहायक पुलिस आयुक्त के तौर पर कार्यरत भरत गायकवाड़ ने आज सवेरे 4 बजे के आसपास पुणे में स्थित अपने आवास पर अपनी पत्नी मोनी गायकवाड़ और भतीजे दीपक गायकवाड़ की गोली मारकर हत्या करने के साथ ही खुद अपने आप पर भी गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि घटना के समय एसीबी गायकवाड़ की माँ और उनके दोनों बेटे भी घर पर ही थे। आज तड़के 4 बजे के आसपास एसीबी गायकवाड़ ने किसी बात को लेकर तैश में आते हुए सबसे पहले अपनी पत्नी के सिर पर गोली दागी, जिसकी आवाज सुनने के बाद बीच बचाव करने हेतु एसीबी गायकवाड़ का एक बेटा और भतीजा दीपक गायकवाड़ भी उनके कमरे की ओर दौड़े। इस समय एसीबी गायकवाड़ ने भतीजे की ओर अपनी निजी लाइसेंसी पिस्तौल तानते हुए फायर कर दिया और गोली भतीजे दीपक गायकवाड़ के सीने में लगी, जिसके बाद एसीबी गायकवाड़ ने अपने निजी लाइसेंसी पिस्तौल को अपनी कनपटी पर सटाकर फायर किया। इस घटना में तीनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर किस वजह के चलते एसीबी गायकवाड़ ने गुस्से में आकर इतना खतरनाक कदम उठाया। 350 महाराज भारत शेखर गायकवाड़ 57 वर्ष एसीबी अमरावती यांनी स्वतः फायरिंग केलेलं आहे आणि स्वतःच्या वाईफ स्वतःवर पण फायरिंग केलेलं आहे आणि वाईफवर पण फायरिंग केलेलं आहे अशी माहिती प्राप्त झाली होती। तात्काळ घटनास्थळी अधिकारी आणि कर्मचारी आमच्या भेट दिली, त्या ठिकाणी असं आढळून आलं की त्यांनी त्यांच्या वाईफला स्वतःच्या रिव्हॉल्वरमधून शूट केलेलं आहे आणि त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न करण्यामध्ये पुतण्या आणि मुलगा मध्ये गेले असता पुतण्याला पण गोळी लागली आणि त्यांनी इतरांना बाहेर काढून स्वतःवर पण गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे। अमरावती के नए जिलाधीश सौरभ कटियार ने आज सुबह 9:45 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर निवर्तमान जिलाधीश पवनीत कौर से अपने पद का जिम्मा स्वीकार किया। दो दिन पूर्व ही जिलाधीश पवनीत कौर एवं नवनियुक्त जिलाधीश सौरभ कटियार के तबादला संबंधी आदेश जारी हुए थे। अमरावती के जिलाधीश के तौर पर आए सौरभ कटियार वर्ष 2016 की बैच के प्रशासनिक अधिकारी हैं। अमरावती के जिलाधीश के तौर पर अपना पदभार स्वीकार करने के तुरंत बाद नवनियुक्त जिलाधीश सौरभ कटियार ने आज जिलाधीश कार्यालय के प्रत्येक विभाग में जाकर अधिकारियों से मेल मुलाकात की, साथ ही वे मीडिया से भी मुखातिब हुए। कलेक्टर कटियार ने बड़ी साफगोई से कहा कि उन्हें समय पर अपना काम करना पसंद है और वे वक्त के बेहद पाबंद हैं। इसलिए अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से भी समय का ध्यान रखने और कार्यालय में बिल्कुल सही समय पर आने की अपेक्षा रखते हैं। कलेक्टर कटियार ने कहा कि वे रोजाना सवेरे 9:45 बजे नियमित तौर पर अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कोणती इंडस्ट्रीवर फोकस करता येते ते सगळं डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅनमध्ये समावेश करायचा आहे आणि त्याच्यासाठी नंतर ते शासनामार्फत आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल की पुढे काय करायचं। तो या निमित्ताने शासनाची अशी धोरण आहे की सध्या एक डिस्ट्रिक्टला एक युनिट ठरवून त्याचा विकास करायचा। अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत सुखली कंपोज डिपो से होने वाले प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय हरित लवाद द्वारा मनपा पर लगाए गए 47 करोड़ रुपए के जुर्माने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने बायो माइनिंग व प्रोसेसिंग यूनिट का काम कहां तक पहुंचा इस बारे में मनपा के अधिवक्ताओं द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के चलते आज 24 जुलाई को होने वाली सुनवाई में मनपा आयुक्त को पेश होने का निर्देश दिया था। ऐसे में मनपा आयुक्त देवीदास पवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया, लेकिन इस हलफनामे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से मनपा को आज भी सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से फटकार सुननी पड़ी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए निरी को नियुक्त करने का आदेश जारी किया। पूरे देश में बारिश से हाहाकार मचा रहने के दौरान विदर्भ में भी जोरदार बारिश जारी है। आगामी 7 दिनों तक विदर्भ में अतिवृष्टि व अधिकांश इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आगामी 4 दिनों के लिए विदर्भ में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है।
विदर्भ का कश्मीर कहे जाते चिखलदरा में बारिश के मौसम का आनंद उठाने हेतु आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में चिखलदरा के पहाड़ी रास्तों पर वाहनों की भीड़भाड़ की वजह से होने वाले हादसों और इन रास्तों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए पहली बार चिखलदरा की ओर आने व जाने वाले रास्तों पर वन वे लगाया गया। इसके चलते शनिवार व रविवार को सप्ताहांत व साप्ताहिक अवकाश के समय चिखलदरा में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ने के बावजूद कोई अप्रिय या अनुचित घटना घटित नहीं हुई। वहीं विगत दो दिनों के दौरान चिखलदरा में 3,000 से भी अधिक छोटे बड़े वाहनों की आमद हुई और बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होने के चलते चिखलदरा नगर पालिका ने पर्यटन कर के तौर पर 3.5 लाख रुपए का राजस्व कमाया। बारिश के सीजन और अंधेरे के कारण आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने धारणी के सभी रास्तों पर स्ट्रीट लाइट लगाते हुए रविवार की शाम पूजन कर स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया, जिससे शाम ढलते ही धारणी शहर अब जगमगाने लगा है। इसके साथ ही विधायक पटेल ने शेष खंभों की लाइट का काम भी जल्द से जल्द करने का निर्देश धारणी की नगर पंचायत व महावितरण कंपनी को दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र गवई ने अंबेडकरी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें कहा गया कि इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पूर्णाकृति पुतले के पास की जगह का विवाद न्याय प्रविष्ट रहते समय वहां कोई भी भूमि पूजन अथवा स्मारक बनाने का काम शुरू नहीं होगा। वह जमीन अधिग्रहित करने के लिए राणा दंपति द्वारा पहले प्रयास किए जाएं, जिसके बाद ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भव्य पुतला व स्मारक का काम किया जाएगा। जो मुद्दा आपला आहे तो आपण चुकीच्या मार्गाने आपण जाण्यापेक्षा त्यांचा मुद्दा सुरेश भाऊचा असा आहे की जर का आपण तिथे सुशोभीकरण केलं, मातची जी जागा आहे, गट्टानीची जी गट्टानीला जी मिळालेली जागा, गट्टानीच्या ताब्यात जी जागा आहे, गट्टानीची पोझिशन वकिला म्हणजे याच्यामध्ये कोर्टामध्ये साऊंड होईल आणि कदाचित आपल्याला ती जागा मिळणार नाही। तेव्हा सुरेश भाऊचं मत असं होतं की आम्हाला रवी राणा आणि नवनीत राणा यांच्या आदराबद्दल कुठेही दुखत नाही आहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि चांदूर बाजार तहसील के सिरजगांव बंड में विगत 3 माह से पानी की अच्छी खासी किल्लत चलती रही, लेकिन इसके बावजूद बार बार निवेदन देने पर भी प्रशासन द्वारा गर्मी के मौसम में समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा सिरजगांव बंड में जलापूर्ति को नियमित व सुचारू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। अमरावती शहर सहित परिसर में बारिश के सीजन की कई बीमारियां सिर उठा रही हैं। वहीं इन दिनों आंख आने यानी कंजेक्टिवाइटिस की बीमारी भी काफी तेजी से फैल रही है। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि विगत कुछ वर्षों की तुलना में इस बार कई गुना अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। महानगर पालिका द्वारा पौधारोपण की महत्ता समझाने हेतु आज सुबह 9 बजे राजापेट के बस अड्डे से वृक्ष डंडी निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में लोग इस वृक्ष डंडी में शामिल हुए। इस समय आयुक्त देवीदास पवार ने एक परिवार एक वृक्ष का नारा देकर डंडी का आरम्भ किया। गत रोज अंबादेवी मार्ग स्थित उसवाल भवन में गौड़ ब्राह्मण नवयुवक मंडल द्वारा समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का गुणगौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से समाज के कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं सहित सीए व अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का समारोह पूर्वक सम्मान किया गया। श्री सरयूपरायण ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा कल रविवार 23 जुलाई को महाकाली माता मंदिर में भव्य संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान मानस मंडल के मोहन महाराज मिश्रा व सोहन महाराज मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा संगीतमय सुंदरकांड की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें सरयूपरायण ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने भी बड़े भक्तिभाव के साथ हिस्सा लेते हुए सुंदरकांड का पठन किया। कल शाम रैली प्लॉट स्थित सिद्धधाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा की विवेचना करते हुए भागवताचार्य निम्बार्की संत विश्वामित्र शरण आचार्य महाराज ने मर्यादा में रहकर जीवन यापन करने का महत्व विशद किया। साथ ही इस अवसर पर भव्य कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाया गया। पुरुषोत्तम मास उपलक्ष्य में श्री सीताराम बाबा मंदिर बालाजी प्लॉट में नर्मदा पुराण की कथा का आयोजन किया गया है। इस उपलक्ष्य में आज सोमवार की दोपहर 1 बजे सुंदर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने कलश सजाकर बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। बडनेरा रोड के भक्तिधाम मंदिर प्रांगण में आयोजित रुद्र महायज्ञ व श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आरंभ हो गया है। पुरुषोत्तम मास उपलक्ष्य में आयोजित कथा में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का अनुष्ठान आज किया गया। आज यज्ञ में गोधरा से सरस्वती परमानंद महाराज पधारे, जिन्होंने वैदिक मंत्रों के द्वारा अरणि मंथन कर अग्नि देवता को प्रकट किया। कैंप स्थित रिफॉर्म क्लब में आज दोपहर दर्जनों युवाओं ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपने कर्तव्य को प्रदर्शित किया। निशा चड्डा व प्रदीप चड्डा की जुड़वा पौत्र व पौत्री शौर्य व शाहिसा रोहित चड्डा के जन्मदिवस अवसर पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था।
ऑनलाइन गेमिंग जालसाजी मामले में नागपुर पुलिस ने गोंदिया में रहने वाले सट्टा किंग सोंटू उर्फ अनंत नवरतन जैन के घर पर छापा मारकर 16 करोड़ रुपए नगद, 15 किलो सोना व 300 किलो चांदी को बरामद किया। साथ ही यह भी पता चला कि सोंटी ने देश के अलग अलग स्थानों पर करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा कर रखी है। वहीं अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई की भनक लगते ही सोंटी जैन गोंदिया से निकलकर नागपुर पहुंचे और नागपुर से विमान में सवार होकर दुबई भाग गया, जिसे वापस लाने हेतु लुकआउट नोटिस जारी किया गया। विगत शनिवार की शाम से रविवार की शाम तक अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में जानलेवा हमले की 3 वारदातें घटित हुई। शनिवार की शाम एक युवक को ट्रांसपोर्ट नगर में धारदार हथियारों से वार करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं उसे अस्पताल में इलाज हेतु पहुंचाए जाने के बाद अस्पताल में उसके पिता पर भी जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में दूसरे पक्ष द्वारा भी बाबेटे के खिलाफ जानलेवा हमला किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई। ऐसे में गढ़गनगर थाने में 2 अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए। वहीं इरविन अस्पताल में पिता पर हुए जानलेवा हमले को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा रविवार की शाम राजापेट रहे पर युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी सूरज मिश्रा पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर धावा बोला, जिसमें सूरज मिश्रा के पांव पर चाकू के घाव लगे। इस मामले में राजापेट पुलिस ने 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। अचलपुरा के अशरफपुरा बिशु चौक के आल हबीब फंक्शन हॉल की सुरक्षा दीवार को लेकर आज दोपहर एक ही समाज के 2 गुटों में अच्छा खासा झगड़ा हुआ, जिसमें चाकू छुरे व पाइप जमकर चले। इस झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल लाया गया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 19 जुलाई को समर्थ नगर से रविनगर की ओर जा रहे डॉक्टर पर झपट्टा मारकर 2 अज्ञात आरोपियों ने डॉक्टर के गले से सोने की चेन छीन ली थी। इस मामले की जांच करते हुए सीपी रेड्डी द्वारा गठित सीआईयू पथक ने इंदौर जाकर संजय चौकसे व रजत अग्रवाल नामक 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। वाहन चोरी से संबंधित मामले की जांच करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट क्रमांक 2 ने मोटरसाइकिल चुराने वाली अंतर्राज्यीय रॉकी गैंग के मुखिया रॉकी भाई उर्फ अजय वाडेकर व उसके साथीदार मनोज मांगुलकर इन 2 आरोपियों को वरुड़ से अपनी हिरासत में लिया। दोनों आरोपियों के पास से चोरी के 9 वाहन बरामद किए गए। खल्लार पुलिस द्वारा घरफोड़ी के मामले को लेकर हिरासत में लिया गया एक आरोपी पुलिस थाने से भाग निकला, जिसके बाद हड़बड़ाए पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही पीछा करते हुए प्रेमदास कवाड़े नामक इस आरोपी को दोबारा पकड़ने में सफलता प्राप्त की और उसे हवालात में डाला। जिले की चिखलदरा सहित अकोला के बुरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र में नाबालिग रहने वाली 2 लड़कियों का बाल विवाह कराए जाने तथा एक लड़की के गर्भवती होकर बेटी को जन्म देने तथा दूसरी नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ जाने के चलते दोनों को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराए जाने से मामला उजागर हुआ। दोनों ही मामलों में गढ़गनगर पुलिस ने संबंधित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए अपनी जाँच शुरू की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।